अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और जो है वो वापस घर के लिए निकल गए हैं। जी हाँ, एक अच्छी खबर आ रही है। अमिताभ बच्चन जो है 11 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उसके बाद जो है अभिषेक बच्चन भी एडमिट हुए थे, आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन एडमिट हुए थे। ऐश्वर्या और आराध्या जो है नेगेटिव आने के बाद जो है घर आ गए थे, लेकिन अब खबर आई है कि अमिताभ बच्चन भी वापस घर आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो लगभग 20 दिन के बाद जो है उनकी रिपोर्ट आई है और नेगेटिव आई है और अब वो वापस घर आ रहे हैं। उनको कोरोना पॉजिटिव आया था, वो लगातार जो है हॉस्पिटल से ही अपने फैंस को लगातार अपना अपडेट दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें, पंक्तियां और पोयम मैं कहूँ तो लिखी थी और साथ ही उन सभी का आभार व्यक्त किया था जो उनको विशेष भेज रहे थे। अभिषेक को लेकर जो है फिलहाल खबर नहीं आई है, लेकिन अमिताभ बच्चन जो है नेगेटिव आए हैं और वो जो है बहुत ही जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही ऐश्वर्या और आराध्या के घर आने पर उन्होंने एक बहुत इमोशनल पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था कि बिटिया, छोटी बिटिया आराध्या और बहू रानी ऐश्वर्या जो है नेगेटिव आए हैं, वो घर चले गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो दोनों जो है ठीक होकर जल्दी घर चले गए और आज मिस्टर बच्चन जो है नेगेटिव आए हैं और वो भी बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और ऐसे में एक और खबर आ रही है कि होम मिनिस्टर अमित शाह को भी पॉजिटिव आया है उनका टेस्ट। जी हाँ, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे सिम्टम्स थे, मैंने टेस्ट कराया और टेस्ट से ये पाया गया कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है और डॉक्टर्स ने मुझे हॉस्पिटलाइज होने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक है, लोग चिंता ना करें। तो जहाँ अमिताभ बच्चन का टेस्ट नेगेटिव आया है और वो घर वापस लौट रहे हैं, वहीं अमित शाह का टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा।